लखनऊ की पूर्व एसएसपी मंजुल सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। श्रवण साहू हत्याकांड में सीबीआई ने लापरवाही का दोषी माना है मंजुल सैनी को। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सीबीआई ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने की सिफारिश की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, श्रवण साहू की हत्या 1 फरवरी 2017 को गोली मारकर हुई थी। अपने बेटे के हत्यारों के खिलाफ अदालत में परिजन लड़ रहे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ की पूर्व एसएसपी मंजुल सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। श्रवण साहू हत्याकांड में सीबीआई ने लापरवाही का दोषी मंजुल सैनी को माना है और सीबीआई ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने की सिफारिश की है। 1 फरवरी 2017 को गोली मारकर हत्या हुई थी श्रवण साहू की। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ के पूर्व एसएसपी मंजुल सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। श्रवण साहू हत्याकांड में सीबीआई ने मंजुल सैनी को रवि हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, बताइए। देखिए, लखनऊ में एक हत्याकांड हुआ था, श्रवण साहू हत्याकांड, और बेटे की पैरवी के चलते ही उनकी हत्या की गई थी। उसमें उस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही थी और लखनऊ की पूर्व एसएसपी मंजुल सैनी की जो मुश्किलें हैं इस पूरे मामले में बढ़ सकती है। श्रवण साहू हत्याकांड की जो जांच है वो सीबीआई कर रही थी और आपको बता दें उसमें लापरवाही का दोषी है माना गया मंजुल सैनी को। राज्य सरकार से कार्रवाई करने की सिफारिश भी की गई है, जिनकी जानकारी आ रही है। उसके अलावा बता दें कि मंजुल सैनी 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वह समय 18 मई 2016 से 27 अप्रैल 2017 तक लखनऊ के एसएसपी भी रही थी और वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीआईजी के पद पर तैनात है। और लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र में श्रवण साहू की हत्या है। करीब 1 फरवरी 2017 में उनके घर के सामने गोली मारकर कर दी गई थी। हालांकि आपको बता दें इस वो अपने बेटे के हत्यारों के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ रहे थे और श्रवण साहू के बेटे आयुष साहू की जो हत्या है 2016 में की गई थी और जबकि वो उनके इकलौते गवाह थे इस पूरे मामले के। आयुष की हत्या में पुलिस कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी और उन्हें लगातार धमकियां भी मिल रही थी। उन्होंने लखनऊ की जो तत्कालीन एसएसपी रही थी मंजू सैनी, सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। हालांकि सुरक्षा को लेकर उसमें लापरवाही बरती गई थी और बदमाशों की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले की जांच है वो सीबीआई को दी गई थी, सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। चलिए, शुक्रिया आपका रवि जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।